हे नमस्कार, मैं रिवन। कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, मुस्कुराते रहो, ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अपना वही पढ़ाई, पुराना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का वेब सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम लोग हैं पार्ट फाइव वेक्टर्स में। अरे, पार्ट फाइव का वर्जन टू है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? और आज हम लोग जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे वो उसका थ्योरेटिकल अप्रोच होगा, ठीक है? जहां पर एक दो न्यूमेरिकल्स तो करा देंगे, पर मेनली जो सारा अच्छा न्यूमेरिकल्स होगा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, ठीक है? पर आज हम लोग एक्चुअली समझ लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, ठीक है? ठीक है, ओके, ये पढ़ेंगे हम लोग आज। पहले उससे पहले हम लोग रिकैपिचुलेट कर लेते कि प्रीवियस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़े थे। हम प्रीवियस एपिसोड था पार्ट 5.01 इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स, जहां पे हम लोग ने वेक्टर्स को खुद को इंट्रोड्यूस किया था। और हम फिर से बता दे रहे हैं कि सिंस हम लोग को देखो, जो कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, कुछ भी टॉपिक पढ़ोगे, ऑब्वियसली आप कुछ फिजिकल क्वांटिटीज से डील करेंगे, और वो फिजिकल क्वांटिटी इधर स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। तो हमेशा आपको ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा ही जब स्केलर है या वेक्टर है, तो उसको डील करना ही पड़ेगा। तो ये चैप्टर, ये पार्ट वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ट्राई करेंगे अच्छे समझने का इसको, ठीक है? ओके, हम लोग क्या पढ़ते हैं सबसे पहले तो, और दो घंटे का वीडियो बना था, ठीक है? पर उसमें से पहला आधा घंटा हमने आपको बस ये समझाने में बिता दिया कि भैया स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है? नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एडिशन, कि वेक्टर्स क्वांटिटी और स्केलर्स क्वांटिटी जो रूल फॉलो करता है ऑफ एडिशन, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। स्केलर्स क्वांटिटी आर एडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी एलजेब्रा, ठीक है? एंड जब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का बात आता है, तो दे आर एडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर एलजेब्रा। एक सर्टेन न्यू रूल्स है, उसके हिसाब से वो ऐड होता है, ठीक है? ठीक है, फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का बात किया था, वो ठीक है। एंड फाइनली हम लोगों ने डायरेक्शंस के ऊपर बात किए थे कि भैया वेक्टर क्वांटिटी तो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ होता है। तो डायरेक्शन का अगर हम बात करें तो हम कैसे पता करेंगे? अगर मुझे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो मुझे अगर डायरेक्शन एसोसिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे? नेचुरल डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? ठीक है, ओके। पर वीडियो था थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया था, हम जल्दी जल्दी एक चीज भूल गए बताना आपको। तो जो हम आपको आज बताना चाहेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि देखिए, ये तो हम लोग का नॉर्मल या फिर नेचुरल डायरेक्शंस हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है? ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों परपेंडिकुलर है इसके साथ, सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? ऑब्वियसली हाँ। नॉर्थ, ए राम, छी 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 छी, क्या कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है? ऑब्वियसली ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एंड सो ऑन, ठीक है? ठीक है, अगर आप एक ऐसा लाइन बना दो, अगर हम एक ऐसा लाइन बनाए ताकि वो एंगल, ये हम लाइन बना रहे हैं जबरदस्ती, ताकि ये एंगल जो हो ना 45 डिग्री हो और ये एंगल भी 45 डिग्री हो, मतलब कि ये लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू ईस्ट एंड टू नॉर्थ। सिमिलरली ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, एंड सिमिलरली अगर हम ऐसे भी इधर से भी एक लाइन बना दें सच दैट ये सारा, बहुत गंदा हो जाएगा क्या, ये सारा एंगल्स 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये सारा एंगल्स ही 45 डिग्री है,
समझ में आ रहा क्या बोल रहा हम? ज्यादा गंदा बना दिखाई दे रहा है पूरी से। हाँ दिखाई तो दे रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा। मतलब ये सारा एंगल्स ही 45 डिग्री है, ठीक है? सारा एंगल्स ये सारा एंगल्स ही 45 डिग्री है, ठीक है? तो उस केस में इस डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट। जो ऊपर है वो पहले, फिर बाद में ईस्ट। इस डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है विद द ईस्ट और द नॉर्थ, डजेंट मैटर। एंड सिमिलरली इसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो ये है, ये वाला, इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट। पहले जो नीचे है वो वाला, उसके एसोसिएट लेफ्ट या राइट, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग साउथ ईस्ट। दिखाई दे रहा है ना कैमरे में अच्छे से? हाँ दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, हम ये चीज हम बताना भूल गया था लास्ट टाइम, बहुत जल्दी जल्दी में, ठीक है? तो हम क्या बोल रहे हैं फिर समझ लीजिए। नॉर्मली आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो है, पर अगर एक ऐसा लाइन बनाया जाए विच इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री विथ ईस्ट एंड विथ नॉर्थ, ठीक है? सिमिलर इधर भी उस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को बोलेंगे कैसे? जो टॉप में है उसको पहले लिखते हैं फिर लेफ्ट या राइट। जो टॉप में है वो पहले फिर लेफ्ट या राइट। टॉप में क्या है? नॉर्थ, इधर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, उधर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नीचे साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है? क्लियर है ना? और बाकी तो प्रीवियस डे वाला सब सही है, ठीक है? इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ओके अच्छा, अब आते हैं हम लोग की आज क्या पढ़ने, बता चुके हैं पर समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको थोड़ा ध्यान, ये हो गया ना, क्लियर है? ठीक है, अब आप थोड़ा याद अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि हम लोग ने जब डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स और वेक्टर्स का पढ़ाई कर रहे थे तो हमने आपको वहां पर दिखाया था ना ये केस, कि बस थोड़ा आप पेज डाउन कर सकते हो कि वहां पर हम लोग ने D1 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था 3 सेंटीमीटर और D2 एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था 4 सेंटीमीटर। इन दोनों का मैग्निट्यूड, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम सेम रखे थे एंड फिर इसका डायरेक्शन थोड़ा बहुत चेंज किए थे, कभी दोनों को ईस्ट की तरफ, फिर एक को वेस्ट की तरफ, एक को ईस्ट की तरफ, एक को नॉर्थ की तरफ, एक को ईस्ट की तरफ, है ना? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, पर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा था वो डिफरेंट था ना? इसका मतलब कि वेक्टर एडिशन कंप्लीटली डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्या बोल रहे हम? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब एग्जांपल देखे थे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे हम लोग, तो दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, पर जब एडिशन करने के बाद रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आया, जो फाइनल मैग्नीट्यूड आ रहा था वो डिफरेंट था। अलग अलग केस में, 3 केस किए थे हम लोग, ठीक है? तो इससे क्या साबित हुआ कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीटली डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है? ऑब्वियसली थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ेंगे हम लोग आज, आज समझेंगे भाई, आज समझेंगे पूरा अच्छे से समझेंगे लोग, ठीक है? जब वेक्टर्स लॉ का, सॉरी, वेक्टर्स को ऐड करने का बात करें, मेरे पास 3 लॉज है। एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा वाला है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? इसमें से ये दोनों जो लॉज है ना, ट्राइंगल्स लॉ एंड पैरेललोग्राम्स लॉ, दीज आर यूज्ड टू ऐड टू वेक्टर्स। अगर आपको सिर्फ दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप सिंपली ट्रायंगल्स लॉ या फिर पैरालेलोग्राम्स लॉ यूज कर सकते हैं, पर अगर मेरे पास मोर देन 2 वेक्टर्स है देन इन दैट केस विल हैव टू यूज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ फॉर मोर देन यूज टू ऐड
used to add more than two vectors. हाँ, समझ में आया? ठीक है, ओके ओके, इतना काफी है? और बोलना पड़ेगा? नहीं, और कुछ बोलने होते हैं? ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, समझ में क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे, इस चीज आपको नया बताया है हम आज, प्लीज को समझ लीजिएगा अच्छे से। एंड फिर अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इन दोनों का क्या है ये और कब यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अपना आज का फाइनली पढ़ाई शुरू करते हैं। आप चाहो तो उसको कॉपी कर सकते हो, आपका मर्जी है, कर लो अच्छे से, कर लो, क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। हैशटैग रूल वन जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जी हाँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज हम लोग को समझना जरूरी है कि इस ट्रायंगल लॉ का एक और पॉपुलर नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग हेड टेल मेथड। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हेड टेल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। आइए समझते हैं हेड टेल मेथड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, समझते हैं पहले क्या बोल रहा है। ये बोलता है भैया कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, मान लीजिए ये एक वेक्टर है v1, कैपिटल v1 लिख रहे हैं, वेलोसिटी नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये एक वेक्टर है v1, और मान लीजिए ये एक वेक्टर है v2। ठीक ठीक, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक वेक्टर है v1, ये एक वेक्टर है v2। ठीक है, तो हेड टेल मेथड ये बोलता है भैया कि आप हेड टेल मेथड ये बोलता है कि आप एक वेक्टर लो, पहला कोई भी एक वेक्टर लो v1। ठीक है, इस अच्छा वो याद है ना, हर एक वेक्टर को एक हेड होता है एक टेल होता है। एरो वाला एंड को हेड बोलते हैं और उसका दूसरा वाले को टेल बोलते हैं। तो ये हो गया वेक्टर v1 का हेड। तो हेड टेल का मेथड बोलने का ये है कि आप एक वेक्टर लीजिए v1 और इसका हेड पे, वेक्टर v1 का हेड पर टेल दूसरा वेक्टर का टेल को ज्वाइन कर दीजिए। इस वेक्टर को इसका ट्रांजिशन कीजिए इस तरफ, तो ये हो गया वेक्टर 2। क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक वेक्टर है उसका हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल को ज्वाइन कर दीजिए। और एक और बात है प्लीज, जब आप इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर रहे हो और इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर रहे हो, आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज मत करना, आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मत चेंज कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, उस केस में देखिए यहां पर एक फ्री टेल है, ये क्या है उसका फ्री टेल है, यहां पे टेल बाकी रह गया है, यहां पर एक हेड बाकी रह गया है, ये उसका टेल है, ये एक नया हेड बन रहा है। आप क्या करोगे, सिंपली इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए, सच दैट ये टेल इधर है हेड इधर है, ये आपका फाइनल वेक्टर हो गया आर। और हम लोग बोलते हैं आर आ गया, आर कहां लिखे भैया, क्या लिखते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बेवकूफ बना रहे हो का भैया, v1 लिखे हो, सॉरी। ठीक है, देखिए समझ में क्या आने क्या बोल रहे हम। हेड टेल मेथड ये बोलता है कि आप कोई भी एक वेक्टर का हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को जोड़ दीजिए। ठीक है, और ऑब्वियसली हमको याद है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं कि अगर हम चाहें तो एक वेक्टर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। प्रीवियस एपिसोड में अगर हम चाहें तो एक वेक्टर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहां पर है वो, हम यहां पे ला सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बात किए हैं लोग, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना, ठीक है।
तो उस केस में यहां पे आपको एक टेल मिलेगा, यहां पर एक आपको हेड दिख रहा है, फाइनल हेड। ये एक टेल है, ये एक हेड है। तो आप इस टेल से इस हेड तक एक वेक्टर बना दो, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि अगर आपके पास दो, फिर मजे क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर है v1, ये एक वेक्टर है v2, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास ऑब्वियसली दो पॉसिबिलिटी है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि आप इस वेक्टर का, सॉरी, आप चाहो तो, सॉरी एक सेकंड, हाँ, केस वन हम क्या कर सकते हैं, हम इस वेक्टर v2, ये जो मेरा वेक्टर v2 है, इस वेक्टर का हेड पे हम इस वेक्टर v1 का टेल जोड़ सकते हैं, v1, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है आपके पास, आप चाहो तो वेक्टर v2 का हेड पर वेक्टर v1 का टेल ऐड कर सकते हो, उसको कनेक्ट कर सकते हो। देखो ना यहां पर क्या बोल रहा हूं, यहां क्या हुआ है, हेड टेल कनेक्शन, हेड टेल कनेक्शन है ना। सिमिलरली तो यहां पे देखिए, यहां पे एक टेल बच गया, इधर हेड है, यहां पर टेल है, इधर हेड है, तो यहां से एक एरो बना दीजिए, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पे हम वेक्टर लिख सकते हैं v2 प्लस v1, जो पहले लिख रहा है, ये पहले लिख रहा हूं, ये पहले है, ये बाद में है, तो v2 से शुरू होकर v1 पे जा रहा है, v2 से शुरू होकर v1 पे जा रहा है, ठीक है। ये एक तरीका है, या फिर अगर आपको ये पसंद नहीं आया भैया, तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर v1 का हेड पे, फिर समझने की कोशिश कीजिए, वेक्टर v1 है ये, वेक्टर v1 का हेड पे आप इसका वेक्टर v2 पोजीशन कर दीजिए विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहां पे क्या किया हम, फिर से हेड टेल कनेक्शन, हेड टेल कनेक्शन, यहां भी हेड टेल कनेक्शन, ठीक है। अब वही पुराना कहानी, v1 से v2 जा रहा है, पर ये टेल है, ये उसका इनिशियल पोजीशन है, ये उसका फाइनल पोजीशन है, तो एक हम एक नया वेक्टर बनाएंगे इन द डायरेक्शन ये, ताकि एरो इधर हो, एरो इधर हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम आर वेक्टर, विच इज इक्वल टू, हम क्या ऐड कर रहे हैं, v1 में v2 ऐड कर रहे हैं, v1 में v2 ऐड कर रहे हैं, v1 में v2 ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये चीज आपको समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं, पहले v1 था, हम v1 से शुरू किए हैं, v2 की तरफ गए हैं, तो पहले v1 प्लस v2 लिखे हैं। यहां पर देखिए ये टेल किसका है, v2 का है, हेड किसका है, v1 का, तो v2 प्लस v1, क्या ये टेल था, फाइनल टेल था, लिख देते फिर हम लोग समझाते हैं आपको अच्छे से। देखो भैया समझना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा टाइम दीजिए। अरे यार कहाँ गए, अरे तुम तो परेशान कर दिए हो। देखिए ये क्या है, ये v2 वेक्टर का टेल है, v2 वेक्टर का टेल है, और ये हेड है, ये हम बोल सकते हैं ये ओपन टेल, ये ओपन हेड। तो फाइनल वेक्टर क्या होगा, इस टेल से इस वेक्टर की तरफ, देखिए ऐसे आ गया है। सिमिलरली यहां पर, और देखिए ये v2 प्लस v1, इसलिए v2 प्लस v1 लिखे हैं यहां पर, ठीक है। पर जब इसका बात आता है, इसका बात आता है, ये है ओपन, ये था ओपन टेल किसका, v1 का, और ये था ओपन हेड, ओपन हेड। तो फाइनल वेक्टर कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, यहां से यहां। अगर हम ये ओपन टेल और ये ओपन हेड को एक वेक्टर से ज्वाइन कर दे, सच दैट इसका एरो हेड की तरफ हो, तो ये जो फाइनल वेक्टर मिलेगा ना, ये है मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को बोलते हैं हेड टेल, इसी को बोलते हैं हेड टेल मेथड, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ग्रेट। अब आपको हम बताते हैं इसको ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्यों कहा जाता है, ठीक है। उसके लिए आप इसको कॉपी कीजिए एंड इस पोर्शन को हम मिटाएंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लिए, मिटा रहे हैं हम इसको,
मिटा रहे हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग इसको ट्रायंगल्स लॉ क्यों बोलते हैं, हम समझने का कोशिश कीजिएगा इसको। ओके आगे मेरा ये रहा पेन, ये रहा पेन। हाँ देखिए क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ए बी सी, हाँ या ना? ओहो ओहो गड़बड़ा दी पहले ही हम, कोई नहीं ठीक है बता देंगे उसके बारे में हम। ओके देखिए ये ए बी सी हुआ, एक ट्रायंगल बना ए बी सी, एक ट्रायंगल बना। देखिए अब हम लिखते हैं एक बार चीज, लिख देते हैं उसको स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। अच्छा पहले एक बार इसका यहाँ पे वो लिख देते हैं हम, क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या है वो लिख देते हैं पहले। स्टेप्स क्या है हेड टेल मेथड में? पहला स्टेप है जॉइन द हेड, जॉइन द हेड ऑफ वन वेक्टर टू द टेल टी ए आई एल टेल ऑफ अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर ठीक है। एंड देन join the, join the open head and open open tail end to open head end to get the resultant vector। ठीक ठीक ओके। अब आइए इसका ट्रायंगल्स लॉ पे आते हैं, ट्रायंगल्स लॉ क्यों बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है देखिए पहले हम लिखते हैं, फिर समझिएगा कुछ कीजिएगा। सपोज इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये एक वेक्टर था वी वन, ये एक वेक्टर था वी टू, इधर लिख दिया तुम कोई बात नहीं चलो लिख दिया लिख दिया, और इन दोनों वेक्टर्स को हम दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर ठीक है। ठीक है अब बोलोगे भैया टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब ये है कि ये वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, इधर से गया और ये दूसरा वेक्टर इधर गया, ऐसे लिए हम इस ऑर्डर में लिए हैं डायरेक्शन को, पहला वेक्टर इस तरफ दूसरा वेक्टर इस तरफ, पहला वेक्टर इस तरफ दूसरा वेक्टर इस तरफ, इसको बोल रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द, देन द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ आप भी साथ में लिख रहेगा, देन द रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन of the two vectors is represented by the third side of the triangle, by the third side of the triangle taken in opposite direction, taken in opposite direction। बाप रे बाप इतना लिखना पड़ता है यार, हाँ तो जाता ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं लोग, देखिए भैया ट्रायंगल मेथड का इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम लोग
दो वेक्टर्स को v1 और v2 को दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो वेक्टर्स था, हमने इन दोनों वेक्टर्स को एक ट्रायंगल का दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया। टेक इट इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेम ऑर्डर बोलने का मतलब कहाँ गया? सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर बोलने का मतलब ये हो रहा है कि आपको हेड टेल कनेक्शन करना है। सेम ऑर्डर बोलने का मतलब है कि आपको हेड टेल कनेक्शन करना है। उस केस में इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा, टेक इन ऑपोजिट ऑर्डर। हम ये दोनों वेक्टर्स को इस ऑर्डर मिल गया है, दिशुम दिशुम, पर रिजल्टेंट वेक्टर जो आर है उसको हम इस डायरेक्शन में लिया है। देखिए कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। वी वन और वी टू को हम इस ऑर्डर में लिए हैं, इस ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज, पर जब आर का बात आया तो वो हो गया क्लॉकवाइज। बस वही है, समझ में आया क्या बोल रहा है? ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो प्लीज समझने की कोशिश करो भैया। देखिए आप इसको हेड टेल मेथड समझो, ज्यादा इजी है। हेड टेल मेथड ज्यादा इजी है ना, कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर का हेड को दूसरा वेक्टर का टेल से जोड़ दो, ठीक है? उसका ये इनिशियल हेड ओपन हेड है, ये ओपन ओपन टेल ओपन हेड, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, सिंपल। पर ट्रायंगल लॉ भी आपको क्वेश्चन बुक में पूछ सकते हैं, भैया बताओ ट्रायंगल लॉ क्या है, क्या बोलोगे? बोलोगे इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड अलोंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, इन दैट केस द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। यहां पे आर क्या होगा? वी वन से शुरू होकर वी टू पे खत्म हो रहा है, वी वन का हेड हो जाएगा वी वन प्लस वी टू। ये चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्लीज, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल ऑर्डर का ही है, ठीक है? ओके, नीचे जगह मेरे पास, अरे बाप रे, 27 मिनट हो गया इतना ही बोलने में ही। नीचे डायरेक्शन है मेरे पास का क्या? हाँ है मेरे पास। अब देखिए, बट ये तो ग्राफिकल मेथड है, ये एक ग्राफिकल अप्रोच है, हम बस आपको समझाए हैं, पर हम लोग को तो फॉर्मूला चाहिए भाई, निकाले कैसे ये बताओ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा ये बताओ मेरे को। हम लोग को चाहिए क्या? आर क्या है? हम लोग बोलते हैं आर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद है ना? बोलते हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, उसको कैद करके, उसको कैद करके हम ये लिख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे, हम ये लिख रहे हैं, अभी दिखाएंगे, अभी प्रूफ करेंगे, तुरंत प्रूफ करेंगे कि मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ वी वन का मॉड स्क्वायर प्लस वी टू का मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी वन मॉड इंटू वी टू मॉड कॉस थीटा, ठीक है? ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब आप मुझसे पूछ सकते हो, भैया वी वन मॉड तो समझ इसका मैग्नीट्यूड है, वी टू तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब आते हैं, प्लीज ध्यान समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके देखिए, ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? एंगल बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? वो होता है एंगल बिटवीन द टू टेल्स ऑफ द वेक्टर। पर यहां पे तो दोनों है, एक हेड है एक टेल है, तो क्या हम आपको ये बता सकते हैं? एक सेकेंड, हाँ यहाँ कुछ लिखे थे क्या? हम वो एरो बनाए थे हम, छोड़ो यहाँ बनाते रहा। हाँ ये हो गया इसका हेड टेल कनेक्शन, ये है इसका हेड टेल कनेक्शन। अब देखिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है एंगल बिटवीन द टू क्या? टेल ऑफ द वेक्टर्स।
उस केस में हम यहां पर ये वेक्टर v1 को ना इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। हम अज्यूम कर ले रहे हैं इस वेक्टर को हम यहां ला दिया, हम ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है। तो मतलब कि बस इमेजिन कीजिए, इसे डॉटेड बना रहे हैं हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए हम बस डॉटेड बनाए हैं। तो उस केस में ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा, क्योंकि ये वेक्टर। नहीं भैया समझ लो, ये समझो प्लीज, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है भैया, प्लीज समझो इसको। ये एक वेक्टर ऐसे था, ये एक वेक्टर ऐसे था, इसका हेड इसका टेल को ज्वाइन किया गया था, बट हम लोग को पता है एंगल होता है बिटवीन टू टेल, तो इस वेक्टर का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं ना। ये वेक्टर ऐसे था, हम इस वेक्टर को बस उठा के यहां ला दिए हैं, तो हमने ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही इसका डायरेक्शन चेंज किया। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स v1 एंड v2। तो यहाँ पे ये थीटा, वही ये थीटा, यही थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन कैसे बताओगे? तो प्लीज समझ लीजिए, हम डायरेक्शन इसको बोल रहे हैं, ये मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल अल्फा है। हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन होता है कि रिजल्टेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वी वन, इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा, इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वी वन वेक्टर, ठीक है? ओके तो देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है। मेरा काम है कि हम आपको दिखाएं कि ये रिलेशन और ये रिलेशन, इसके लिए प्रूफ का ओ यहाँ पे लिखे नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशन आएगा कुछ ऐसा, टैन अल्फा इज इक्वल्स टू, कहाँ लिखे हैं हम, टैन अल्फा वी वन के रिस्पेक्ट में, तो वी टू आएगा यहाँ पर, वी टू साइन थीटा बाई वी वन बाई वी टू मॉड कॉस थीटा प्लस वी वन मॉड। हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। प्लीज आइए, अब वो फिर से बता दें क्या बोल रहे हैं हम। हम लोग ने ट्रायंगल्स लॉ पढ़ना शुरू किया था, इसका स्पेशल नाम हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड हम लोग समझ गए कि भैया एक वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर का टेल से जोड़ दो, ठीक है? उसके बाद इस टेल और इस हेड को एक एरो बना दो, एक वेक्टर बना दो, तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को बोला गया है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सच दैट कि देखो ना ये दो वेक्टर्स को हम दो ट्रायंगल का साइड से रिप्रेजेंट किया इन द सेम ऑर्डर, इन द सेम ऑर्डर। उस केस में जो थर्ड साइड है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये देगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। और वी वन प्लस वी टू लिख सकते हो, वी टू प्लस वी वन भी लिख सकते हो, पर वो कैसे पता चलेगा? वी वन का टेल किसका टेल और किसका हेड को जोड़े हो, किसका, जिसका टेल को आप जोड़ रहे हो, टेल पहले लिखा जाएगा, जिसका टेल है वो पहले आएगा, जिसका हेड है वो बाद में आएगा, ठीक है? ठीक है, ओके। अब देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये तो ग्राफिकल अप्रोच है, तो हम लोग को तो, सॉरी, हम लोग को तो एक्चुअली में एक फॉर्मूला चाहिए ना, एक एनालिटिकल अप्रोच चाहिए कि इसका मैग्निट्यूड और डायरेक्शन हम निकाले कैसे। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है R1, इसका मैग्नीट्यूड है ये V1 मॉड स्क्वायर प्लस V2 मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस V1 V2 कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स V1 एंड V2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके। अब जब डायरेक्शन का बात आया तो हम लोग डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो बेस वेक्टर है, जिसके रिस्पेक्ट में बेस है उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग, अल्फा, ठीक है? और वो टैन अल्फा होता है V2 साइन थीटा बाई V2 मॉड कॉस थीटा प्लस V1 मॉड, ठीक है? ये एक नंबर आएगा, ठीक है? तो टैन अल्फा इक्वल्स टू सम नंबर, आपके पास कैलकुलेटर है, आप सिंपली अल्फा इक्वल्स टू टैन इनवर्स करोगे आ जाएगा, कैलकुलेटर निकाल सकते हैं एंगल हम लोग, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम आपको ये दोनों डिराइव करके दिखाएंगे, ये चीज आपको डिराइव करके दिखाएंगे हम लोग। डिराइवेशन आपके एग्जाम
बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकते, बोर्ड हमने स्कूल के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए हम एक बार डिरेक्शन करा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, तो चलिए आइए अब हम लोग उसका डिरेवेशन करते हैं, क्या करते हैं, कौन सा पिन आ गया हाथ में, डिरेवेशन करते हैं, साथ में करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है, और प्लीज इसको अच्छे से एक बार कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ओके। चलिए लिख लिख के करते हो साथ में, क्या बोल रहे हैं, लेट वी वन एंड वी टू बी द टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑन जॉइनिंग द हेड, ऑन जॉइनिंग द टेल ऑफ वेक्टर, अरे हटाओ इसको इतना लिखो लिखेगा, ऑन जॉइनिंग टेल ऑफ वी टू टू हेड ऑफ वी वन, ठीक है, ऑन जॉइनिंग द टेल ऑफ वी टू टू हेड ऑफ वी वन दे फॉर्म टू साइड्स ऑफ ट्राई, आप भी साथ में लिख रहेगा, ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, गया ये गया, टेकन इन सेम ऑर्डर, क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं भैया कि आपके पास मान लो ये एक वेक्टर था वी वन और ये एक वेक्टर था मान लीजिए वी टू, ठीक है, सच दैट अगर ऐसे देखा जाए इसके साथ, अच्छा छोड़ उसको, ठीक है, सच दैट अगर हमने ऐसा कनेक्शन किया है, अब इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एक ऐसा कनेक्शन किया, अरे यार इसी में झमेला होता है, स्ट्रेट लाइन बना देना, अगर हमने ऐसा कनेक्शन किया है कि हेड ऑफ टेल ऑफ वी टू इस काइंड ऑफ हेड ऑफ ये हो गया वी टू, उस केस में ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल का दो साइड्स फॉर्म कर रहा है, टेकन इन सेम ऑर्डर, ढीचू ढीचू ढेचू ढेचू, ठीक ठीक, टेकन इन सेम ऑर्डर, देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यही तो ट्रायंगल्स लॉ है ना, मतलब कि ये मेरा वी वन वी टू ऐसे क्या रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा, ठीक है, सच दैट ये एक ट्रायंगल बना ए बी सी, ठीक है ठीक है, तो सही, ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वन वेक्टर प्लस वी टू वेक्टर, ठीक है, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन वन, हटा इसको, ये हो गया, हटा इसको, देने होती है, ठीक है, ओके, और हेयर हम बोल सकते हैं, यहां पर देखिए हेयर इस फिगर में क्या हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर वी वन का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और बी सी कैन बी टर्म्ड एज वेक्टर वी टू का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना, बी सी का जो लेंथ है, देखिए ऑब्वियसली इट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, वी टू का जो मैग्नीट्यूड है वो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, इस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, पर हम यहां पे इक्वल्स टू तो बोल रहे हैं, यहां पे और कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, स्केलिंग ऐसे किया गया है, मान लेंगे हम प्रॉपर स्केलिंग किया गया है, एंड ए सी
is the magnitude of the resultant vector r. And most importantly, and let theta be the angle between the vectors v1 एंड वी टू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम, फिर से बोल रहे हैं, अगर हम इसको पोजीशन चेंज करते हैं, यहां से यहां लाते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ये जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा. ठीक है, चलिए आप इतना कॉपी कीजिए, उसके बाद हम लोग बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है. चलो इस कॉपी करो इसको, ठीक है, कॉपी करो एक बार इतना. चलिए आइए, अब बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन बस फॉलो कीजिएगा. ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा हूं. बाय कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ अ लाइन, perpendicular from C to AB produced DCD. समझने की कोशिश क्या बोल रहे हैं हम लोग थोड़ा बस दिमाग चलाकर आपको हम ये बोल रहे हैं कि आप वर्टेक्स क्यों कर रहे हैं वो मत पूछिएगा, पर देखिए क्या कर रहे हैं. ऐसा करने से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नियम है. वर्टेक्स सी से हम लोग एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं एबी पर प्रोड्यूस्ड. एबी प्रोड्यूस्ड मतलब एबी को आगे प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ई. अब आप पूछोगे भैया ए बी सी के बाद ई डी कहां चला गया, बस करो बताते हैं क्यों किएंगे, बाद में बताएंगे सर, कोई कारण है इसलिए बता रहे हैं, इसको हम ई नाम दे रहे हैं. ठीक है, ओके समझ में आया क्या बोल रहे हैं. इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपके पास? ठीक है, अब देखिए थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का खेल खेलेंगे हम लोग. देखिए नाउ ओपन नहीं आ गया ना. ट्रायंगल बी सी ई इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हाँ या ना, विथ एंगल ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, हाँ या ना. बी सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, थैंक यू. तो यहां से देखिए तो हम लिख सकते हैं, यहां से आप बताओ तो मुझे प्लीज कॉस थीटा क्या होगा. कॉस का डेफिनेशन होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस. इस एंगल थीटा के लिए बेस क्या होगा, बी ई, एंड हाइपोटेन्यूस क्या होगा, BE will be equals to BC cos theta. अच्छा इसको यहां लिखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. Which implies BE is equals to BC cos theta. हाँ या ना. और BC क्या है एक्चुअली में, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. हम फिर सकते हैं ऐसे, इट्स एक्चुअली इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू V2 का मैग्नीट्यूड cos थीटा, हाँ या ना. यहां पे हम ऐड करेंगे प्लीज BE इज इक्वल्स टू V2 वेक्टर cos थीटा, हाँ या ना. ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. इस एंगल का ऑपोजिट साइड है बी सी ई, परपेंडिकुलर होगा सी ई बाय हाइपोटेन्यूस है फिर से वही बी सी. तो उस केस में हम यहां से बोल सकते हैं सी ई विल बी इक्वल्स टू बी सी साइन थीटा, और जो बी सी है एक्चुअली में क्या है, वेक्टर वी टू का मैग्नीट्यूड है साइन थीटा. ये हो गया सी ई. तो हम यहां से फिर से बोल सकते हैं आपको
कि सी ई इज एक्चुअली वी टू मॉड साइन थीटा, यस या नो? ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं है? हमने बस यहां से एक परपेंडिकुलर बनाया, ये नहीं बाई कंस्ट्रक्शन, अपनी जिम्मेदारी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मर्जी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका लेंथ और इसका लेंथ निकाल लिया हम लोग ने। ठीक है, ठीक, BE का है V2 mod cos theta, CE का है V2 mod sin theta। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, अब हम लोग को बस एक कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर जगह है लिखते हैं। देखिए अब आप सिंपल सा देखिए, अब आपका कहानी इजी हो गया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑल्सो ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, हाँ या ना? ए ई सी, ए ई सी इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल ई इक्वल्स टू 90 degree। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको ये पता है, सी ई पता है, ए ई पता है, ए ई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, आपको ए बी पता है, ए ई बी ई भी पता है। इन अदर वर्ड्स आपको ए ई पता है, आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, आपको क्या निकालना है, ये साइड निकालना है। इजी, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर लो, आपको ये पता है, ये पता है, यही तो मेरा रिजल्टेंट है ना आर। तो आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, समझ में आया? यहां से परपेंडिकुलर बनाने का फायदा यही था कि हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सके। देयरफॉर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कैन वी से एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, हाँ या ना? सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सिंपल। ठीक, ठीक, अब मेरे पास जगह नहीं है भैया, अब हमको मिटाना पड़ेगा, हम ऊपर वाला पार्ट मिटाएंगे। ठीक है, यहां तक कंटिन्यू करके मिटा रहे हैं ऊपर वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ यहां से मुझे कंटिन्यू करना है, हमको यहां पर लिख दीजिए ठीक से। अब बहुत सिंपल है, हो गया। अब बस आप एसी का वैल्यू क्या है, एसी क्या है एक्चुअली में, एसी है आर मैग्नीट्यूड, मतलब कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एसी क्या है, आर मैग्नीट्यूड मतलब आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी क्या है, ए बी है, अच्छा अच्छा अच्छा, एक स्टेप ज्यादा लिख, एक स्टेप स्किप कर देना, चलो कोई नहीं, एक और स्टेप लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए बी क्या है, ए राम छी क्या लिखा तुम, ए ई होगा ना, ए ई, ए ई, छी 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 क्या क्या तुम, छी सी होगा, सी ई, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, क्या गलती किया हम ए सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बेवकूफ जैसे, पहले आ गया ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर होगा, ए ई स्क्वायर ये वाला होगा ना, इसका साइड है और ये साइड है सी ई, ठीक है, वही थोड़ा गलती कर रहा था हम। ठीक है, तो ए ई क्या है, ए ई को लिख सकते हो आप लोग ए बी प्लस बी ई का होल स्क्वायर, देखिए समझ में नहीं आया, प्लस सी को वैसे लिख दे रहा हूँ बस, देखिए ये लाइन आएगा, हाँ या ना? आर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेंगे ना, बेस लेंगे ना, ये पूरा बेस है, और ये ए ई को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई, हाँ या ना? हाँ, थैंक यू, मिटा रहे इसको हम। ठीक है, ओके,
अब सिंपली आपको सबका वैल्यू पता है, एसी का वैल्यू पता है, एबी का वैल्यू पता है, एई का वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पता है आपको, ठीक है? तो लिख देना, ये हो जाएगा आर मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एबी है, क्या है, एबी है वी वन मॉड प्लस बी, क्या है, बी है वी टू कॉस थीटा, वी टू मॉड कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सी, क्या है, वी टू मॉड साइन थीटा, वी टू मॉड साइन थीटा। आप इसके अंदर वेक्टर दो या दो तो फर्क नहीं पड़ता है, उसको मैटर नहीं है, दे भी सकते, जैसे यहां पे हम दिए है ना, कोई जरूरी नहीं था देना, यही बात है, दो या मत दो, ठीक है? अब थोड़ा बहुत दिमाग चला के कैलकुलेशन कीजिएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहां पे ए है वी टू वन मॉड, ये हो जाएगा वी वन मॉड का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वी टू मॉड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब टू इंटू वी वन मॉड इंटू वी टू मॉड कॉस थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये क्या बचेगा, ये बचेगा वी टू मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पर वी वन मॉड स्क्वायर अकेले है तो उसको हम खुशी खुशी लिख दे रहे हैं ऐसे, वी वन मॉड स्क्वायर प्लस, अब देखिए तो ये टर्म में वी टू मॉड स्क्वायर है, ये टर्म में भी वी टू मॉड स्क्वायर है, तो हम इस दोनों टर्म को अगर साथ में लिखें, वी टू मॉड स्क्वायर कॉमन लिख, क्या बचेगा, वी टू मॉड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस वी वन मॉड वी टू मॉड कॉस थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है, जो हम मानते हैं है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, ये हो गया वन, तो फाइनली आपका हो जाएगा वी वन मॉड स्क्वायर प्लस वी टू मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी वन मॉड वी टू मॉड कॉस थीटा, और यहाँ पे ये तो आर है ना, ये भी आर मॉड स्क्वायर है, तो सिंपली आर कितना हो जाएगा, आर मॉड इधर स्क्वायर, इधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, हाँ या ना, आया ना, यही तो लिखे थे ना हम यहाँ पर लास्ट में, यही लिखे थे ना, अच्छा हम क्या टू लिखे थे, अगर टू नहीं लिखे तो टू होगा वहां पर, हम मिस कर दिए होंगे, लिखे थे क्या, लिखे थे शायद, अगर हम नहीं लिखे थे तो टू लिख लो आप, वो होगा टू, ये वाला टू होगा ये, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे लिखे थे वही आपको डिराइव करके दिया है, ठीक है, ठीक है। अब रहा बात मुझे एंगल निकालने का, बात करना, ठीक है, ओके, मिटाना पड़ेगा मुझे, जगह नहीं है कितना, तो कम जगह है बस, लिखते फिर भी, ये हो गया मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया, दिस गिव्स द दिस रिलेशन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, ठीक। अब आते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम फिर से बता रहे हैं आपको कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए इस एंगल को हम अल्फा मान ले रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे इतना, ठीक है, मिटा रहे हैं कुछ, मिटा रहे हैं, मिटा रहे, मिटा रहे, मिटा रहे, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा दिए हैं हम। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मुझे वेक्टर आर का डायरेक्शन देना है तो किसी के रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा ना, कोई चीज के तो रिस्पेक्ट में देना पड़ेगा ना, हम वेक्टर v1 के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, जो वेक्टर नीचे होगा ना हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा देंगे, कभी कभी चेंज हो जाएगा पर हम लोग ट्राई करेंगे कि जो जिस एंगल के साथ ये वेक्टर बन रहा है उसी के रिस्पेक्ट में बात करें हम लोग, ये हो गया अल्फा, लेट अल्फा बी द एंगल एट विच आर वेक्टर इज इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर वी वन, ठीक है,
उस केस में आपको ये अल्फा निकालना है, ठीक है? तो सीधा फ्रॉम ट्राइंगल ए ई सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए ई सी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई बात नहीं है, हम यहां लिख सकते हैं टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अल्फा के ऑपोजिट जो एंगल साइड है सीई वो होगा परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगा एई, ठीक है, सीई बाय एई। तो सीई का वैल्यू क्या है, सीई सीई का वैल्यू है वी टू मॉड साइन थीटा, वी टू मॉड साइन थीटा बाय एई, एई का वैल्यू है ए बी प्लस बीई, एई का वैल्यू है ए बी प्लस बीई, ए बी का वैल्यू है पहले लिखता हूं ऐसे, फॉर एग्जांपल वी वन मॉड प्लस वी टू मॉड कॉस थीटा, वी टू मॉड कॉस थीटा बी का वैल्यू, ठीक है? तो फाइनली आप ऐसे याद रखना इसको, ऐसे याद रखना, हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा, अगर ये फिगर आप याद रखिएगा दिमाग में हमेशा, हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसके लिए आप ये पिक्चर को ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, पिक्चर को दिमाग में रखिएगा। तो यहां से आप चाहे ये भी बोल सकते हो कि टैन अल्फा, टैन का कोशेंट रिलेशन क्या है, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो अल्फा है एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वी वन, मतलब ये बेस का हम आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं, अल्फा है एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वी वन, मतलब वी वन वेक्टर बेस है, वी वन वेक्टर बेस है तो परपेंडिकुलर क्या है वी टू, वी वन अगर बेस है तो परपेंडिकुलर क्या है वी टू, हो जाएगा वी टू परपेंडिकुलर साइन थीटा बाई v2 mod cos theta plus v1 mod, बस ये दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए और फाइनली हम लोग यहां पर खत्म करते हैं इसको, खत्म या करना है, बहुत कुछ करना है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इस रिलेशन का डिराइवेशन किया और इसका एंगल अल्फा निकाल के दिया आपको हम लोग, ठीक है? आइए इसको आप कॉपी कीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग, अब क्या करेंगे समझाते क्या करेंगे, अब हम लोग स्पेशल केस करेंगे। हम लोग के पास क्या है, वी हैव, ये लिखने का जरूरत नहीं आपको पर लिख सकते हो, वी हैव आर मॉड का स्क्वायर, ठीक है? बस अच्छा सो हटाओ उसको, नहीं लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, आर मॉड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वन मॉड का स्क्वायर प्लस v2 mod का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 mod इंटू v2 mod cos थीटा, जी हाँ, ठीक है? एंड फाइनली tan अल्फा कितना है, tan अल्फा है, अल्फा क्या है, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू v1, तो हम लोग v2 के बात करते हैं, v2 mod sin थीटा बाय v1 v2 mod cos थीटा प्लस v1 mod, हाँ हाँ ठीक है, ये हम लोग अभी डिराइव किए हैं, ठीक है? अब आइए पढ़ते हैं हम लोग स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है? ओके बहुत बढ़िया, चलिए पहला केस बहुत सिंपल है, पहला केस ए, व्हेन टू वेक्टर्स, व्हेन टू गिवन वेक्टर्स आर इन द सेम डिरेक्शन, आर इन द सेम डिरेक्शन, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ओके क्या बोल रहा हूं, दो वेक्टर्स है दोनों सेम डिरेक्शन में है, क्या ऐसा कुछ है, ये एक वेक्टर है मान लीजिए v1, ये एक वेक्टर है v2, ठीक? तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा मुझे क्या पता क्या होगा, दो वेक्टर्स है v1 और v2, दोनों इन सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो कैसा वेक्टर्स है बताइए, कैसा वेक्टर्स है, बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, दैट इज θ
थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, पैरेलल वेक्टर्स है भैया। अरे काहे भूल जाते हो, लास्ट तो पढ़े थे लोग काइंड ऑफ वेक्टर्स में, अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है या फिर एंगल जीरो डिग्री है तो पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं उसको, हाँ ना? हाँ ना, ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है ये हो गया ओके। उस केस में क्या हम बोल सकते हैं, अगर थीटा जीरो है, आप मुझे बता सकते हो प्लीज कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? अगर थीटा जीरो है तो कॉस थीटा का मतलब कॉस जीरो डिग्री कितना होता है? कॉस जीरो होता है वन, एंड एट द सेम टाइम साइन जीरो कितना होता है? जीरो, ठीक है? ठीक है, तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिंपली वी वन मॉड का स्क्वायर प्लस वी टू मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी वन मॉड वी टू मॉड, हाँ या ना? ये जो कॉस थीटा था वो कितना हो गया यहां पर? वन हो गया है कॉस थीटा, इसीलिए वो टर्म वैनिश हो गया है, ठीक है? अब अगर आप थोड़े समझदार व्यक्ति हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं v1 mod square plus v2 mod square plus twice v1 mod v2 क्या होगा? क्या होगा? अगर कोई आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम ये लिख सकते हैं? अगर आपको आपत्ति ना हो तो v1 mod plus v2 mod का whole square, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, थैंक यू। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपली v1 mod plus v2 mod, देयरफॉर फाइनली r हो जाएगा ये। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, अगर इसका मैग्नीट्यूड v1 है और इसका मैग्नीट्यूड v2 है, तो जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा r, इस केस में इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिंपली वो होगा सिंपली v1 mod, अरे छी 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 क्या करता है तुम छी, प्लस v2 mod, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? एंड द डायरेक्शन विल बी सेम एज द प्रीवियस डायरेक्शंस, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखो साइन जीरो है, साइन थीटा जीरो है, साइन थीटा जीरो है, आप यहां पर इसको पुट करोगे जीरो, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, साइन थीटा की जगह अगर वैल्यू जीरो पुट करोगे, अब कोई भी क्वांटिटी को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। मतलब टैन अल्फा कितना आएगा यहाँ पर? टैन अल्फा, अरे यार इतना हम बहुत हल्का तो लग रहा है, हम बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, इसलिए मेरे पास जगह नहीं मिल रहा लिखने का, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा लग रहा है। ये हो गया एंड टैन, एंड टैन अल्फा इज इक्वल टू कितना? जीरो, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जीरो है और ऊपर जीरो है, आप तो कोई भी फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा ना, जीरो, विच इंप्लाइज, और टैन जीरो कब होता है? टैन जीरो के लिए, विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑल्सो अलोंग द, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा ना ठीक से? अब मत बोलना या तो टेढ़ा हो गया ये, ऐसा मत बोलना तुम लोग प्लीज यार, ऐसे आप लोग मत बोलना, ठीक है? अब ओके, अब ठीक है, दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिजल्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट, अरे एस यू एल टी एन टी, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, बेटर वर्ड है,
resultant magnitude of the two vectors in the same direction is equal to the algebraic sum of the magnitude of individual vectors. And is directed along the same direction and is directed along the direction of given vectors. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको चीज जो लिखे वही बोले हैं और कुछ नहीं बोले, ठीक है, समझ में आया? सिंपल सी चीज है, इस वर्ड का इंपॉर्टेंट है सेम डायरेक्शन में. सेम डायरेक्शन का मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. थीटा इक्वल्स टू 120, अगर थीटा इक्वल्स टू सॉरी थीटा जीरो है तो पैरेलल वेक्टर्स है, मतलब ये 1 हो जाएगा तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये सिंपल ये रिलेशन आ जाएगा टेन अल्फा जीरो, तो यहाँ पर ये रिलेशन आ गया. इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर आपके दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सिंपली इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का एडिशन एंड द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द सेम डायरेक्शन. ठीक ठीक, अब मेरा काम आसान हो गया. अब देखिए, कॉपी कर लीजिए, अब हम लोग केस बी में मूव करते हैं, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा दादा. व्हेन टू गिवन वेक्टर्स आर इन, इतना हो गया ना, केस टू में मूव कर रहे हैं जो है इन ऑपोजिट डायरेक्शन. आपको तो लिखना पड़ेगा भैया इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है उस केस में थीटा कितना है? बना रहे हैं. एक इधर है, एक इधर है, ये दोनों टेल के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री. अरे भैया भूल गए, कल ही तो किए थे हम लोग. 180 डिग्री, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स. ओ पैरेलल क्यों बोलेंगे, एंटी पैरेलल बोलेंगे इसको तो. इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, याद है? बहुत बढ़िया. उस केस में अब आप देखो, आपको समझ में आता है कि नहीं आता? यहां पर कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, इस बता दे रहे फिर से, हम लास्ट टाइम बता रहे हैं कॉस 180 डिग्री को लिख सकते हो आप ऐसे, कॉस 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है. तो और ये क्या है, 180 है. अगर 180 या फिर 360 प्लस समथिंग होता है तो सेम एंगल होता है कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है? 1, तो माइनस 1 आंसर. इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉस 180 डिग्री होता है माइनस 1, कॉस 180 डिग्री होता है माइनस 1, बट एट द सेम टाइम साइन 180 डिग्री जीरो ही होता है. साइन 180 डिग्री अभी भी जीरो ही रहता है हमेशा, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा जीरो. उस केस में डिफरेंस क्या होगा आपके पास? सिर्फ यहां पर एक एक्स्ट्रा माइनस 1 आएगा, ठीक है? अगर उसका दिमाग चलाए ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ द टू, जो बड़ा है उसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे हम लोग, यहां भी आ जाएगा सिर्फ डिफरेंस ऑफ द टू. ये जो साइन यूज कर रहे हैं ना इसको बोलते हैं डिफरेंस, जो बड़ा है उसको छोटा से माइनस कर दीजिए. हम यहां पर लिखे हैं v1 माइनस v2 मॉड, अगर v2 बड़ा है तो हम v2 माइनस v1 भी कर सकते हैं. डिफरेंस का मतलब ये है, जो बड़ा है उसको छोटा से माइनस कर दीजिए, ये हो गया. एंड सिंस टैन साइन 180 अभी भी जीरो है तो टैन अल्फा अभी भी जीरो आएगा, तो अल्फा अभी जीरो आएगा. यहां पर कहानी क्या हो जाएगा कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, समझने की कोशिश कीजिएगा,
सॉरी, अगर इस फिगर के हिसाब से अगर हम जाएं तो मेरा क्या है, वी टू बड़ा है कंपेयर टू वी वन, वी टू वैक्टर बड़ा है कंपेयर टू वी वन, तो फाइनली रिजल्टेंट वैक्टर किस तरफ होगा, वी वन वी टू, तो रिजल्टेंट वैक्टर किस तरफ, जिस जो वेक्टर बड़ा है रिजल्टेंट वेक्टर उसी तरफ होगा ना, ये हो जाएगा इस तरफ और इतना सिर्फ इतना ही होगा, सिर्फ इतना ही होगा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर विल बी इक्वल टू वी टू मॉड माइनस वी वन मॉड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इन द ऑपोजिट डिरेक्शन, इन द opposite direction is equal to the algebraic difference of the magnitude of individual vectors and is directed along the direction of larger vector, LARGER, larger vector। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज को ध्यान रखिएगा, जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे फिर से हम यहाँ पे कुछ कमेंट करेंगे, आप अभी नहीं कमेंट करेंगे पर जब मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग पढ़ेंगे तब कमेंट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट होता है एल्जेब्रिक सम, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एल्जेब्रिक डिफरेंस, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर, ठीक है। ये था स्पेशल केसेस। अब एक और स्पेशल केस बाकी है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहीं पे कर दे क्या, यहीं पे कर देता हूँ, पर मिटाना पड़ेगा बहुत कुछ, ठीक है, ओके। तो आप इसको कॉपी कर लो, हम थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं इसको अच्छे से। हो चलिए आइए नेक्स्ट, एक स्पेशल केस एक और है, लास्ट स्पेशल केस है ये। सी व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक 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 ओके। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, जो एंगल थीटा है वो कितना होगा, 90 डिग्री है या ना, मतलब ये एक वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर को जोड़ेंगे ऐसे, तो ये जाएगा इधर जाएगा, ये एंगल थीटा है जो है 90 डिग्री, हाँ या ना, ठीक। अगर ये वेक्टर वी वन है, ये वेक्टर v2 है, अरे यार कहीं बना रहे हो, ठीक है। तो उस केस में ये ओपन टेल ओपन हेड इसको ज्वाइन कर दो, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर r, ठीक है, हाँ या ना, हाँ और क्या चाहिए आपको। और इसका ये हो गया मैग्नीट्यूड कितना, इसका मान लीजिए v1 मॉड है, चाहे तो आप इसको नाम भी दे सकते हो, सबसे अच्छे इसको नाम देते हम ABC, और सिंपली आप याद रखना कि अगर थीटा जीरो है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 थैंक यू 1 होता है, एंड सिमिलरली साइन 90 कितना, साइन थीटा कितना होता है, साइन 90, ये राम का कर रहा तुम बुरबकवा, ये तो जीरो होता है, सॉरी साइन थीटा साइन 90 वो होता है 1, ठीक है ठीक है। तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं देयरफॉर R mod square is equals to square root of V1 mod square plus V2 mod square simply, क्योंकि since ये term zero आ गया ये पूरा term vanish कर जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये, तो यहाँ पे आ गया, ये होता है Pythagoras theorem, Pythagoras theorem। तो हम फिर से आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप देखते हो, अगर आप बस ये देखते हो कि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, सच दैट कोई दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री है, आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना। आप समझ में क्या बोले, अगर दो आपके पास तीन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है और मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेना, ठीक है ठीक है। और यहां इस सेंस में अल्फा क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फा है मेरा, अगर ये अल्फा है तो उस केस में टैन अल्फा कितना हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा, देखो भैया साइन थीटा वन गया, कॉस थीटा जीरो मतलब गायब हो जाएगा, बस सिंपली
v2 mod by v1 mod, हाँ या ना? ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अगर आप यहां से नहीं लाओगे, यहां देख लो ना, बस इस फिगर में देख लो, tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब v2, बेस मतलब v1 mod, आंसर सेम चीज यहां लिखे हैं। आप यहां से लाओ या फिर डायरेक्टली यहां से लिखो, एक ही बात है, हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, तो फाइनली देखिए, हम लोगों ने अभी तक ट्राइंगल्स लॉ पढ़ा, हेड टेल में समझ लो, ठीक है, और क्या किया लो, और हम लोग सिंपली ये कवर किए लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम कराना चाहते हैं, कितना बच गया? 15 मिनट हो गया। अगर एक काम करते हैं हम लोग ना, आज हम पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ का भी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग, अच्छा एक ये जो रिलेशन ट्रायंगल्स लॉ के लिए आया है ना, सेम रिलेशन पैरेललोग्राम में भी होगा। हाँ सच बोल रहे हैं, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। जो रिलेशन ये आया है किसके लिए? ट्रायंगल्स लॉ के लिए, सेम पैरेललोग्राम में भी आएगा, सेम डिराइवेशन होगा। हम बता देंगे आपको, करेंगे नहीं हम लोग, हम वो बता देंगे कैसे करना होता है, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है, ओके। चलो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो चीज आई है, देखिए हम लोग अभी तक क्या किया, हम लोग ने वेक्टर एडिशन पढ़े थे और हम लोग ने उसको ट्रायंगल लॉ से समझा, ठीक है। अब आते हैं हैशटैग मेथड 2 जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ऑब्वियसली गंदा हो गया, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक ठीक। और इसका एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा नाम है जिसको बोलते हैं टेल, टेल मेथड, हाँ टेल, टेल मेथड। देखिए प्लीज हम लोग बताना चाहते हैं, जो चीज हम लोग ट्रायंगल लॉ में पढ़े हैं वो सेम चीज पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग बस उसको समझने का कोशिश करेंगे, पैरेललोग्राम पॉलीगन लॉ, इसको समझने का कोशिश करेंगे, इसको हम लोग को डिटेल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बस समझना है, तो आइए समझते हैं, ओके। बहुत सिंपल है, पहले समझते हैं ये छोटा सा जो प्यारा सा नाम है टेल, टेल मेथड क्यों बोलते हैं उसको। देखिए फिर वही कहानी, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है v1, एक वेक्टर है v2, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां पर आप सिंपली ट्रायंगल लॉ में क्या था, हेड टेल, यहां पर आप क्या करो कि आप यहां पर ये दोनों वेक्टर्स का पूछ, दोनों वेक्टर्स का पूछ को एक साथ जोड़ दीजिए, मतलब कि कहां लिखे हम, ये एक वेक्टर है मान लीजिए v1, ठीक है, और ये एक वेक्टर है v2, वेक्टर v1 और ये है वेक्टर v2, क्या है यहां पर टेल, टेल कनेक्शन, ठीक ठीक ओके बहुत बढ़िया। तो क्या करें, हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए फर्स्ट स्टेप था वो लिखना पड़ेगा, स्टेप 1 था जॉइन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स, जॉइन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक मस्त मक्खन। अब देखिए जैसे ही आपने ये दो टेल ज्वाइन किया है तो आप इसको ना ट्रीट कीजिए टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ट्रीट दीज टू वेक्टर्स, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ट्रीट खिलाइए इसको भी खिलाइए, दीज टू वेक्टर्स एज अ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप है आप इसको पैरेललोग्राम यहां पर कंप्लीट कीजिए, ये जो वेक्टर v1 है अगर हम चाहें, ये जो वेक्टर v1 है अगर हम चाहें इसको यहां पे डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड,
मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो वेक्टर v2 है, अगर हम चाहें तो यहां भी ला सकते हैं ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टेप टू, कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पिक्चर टू फॉर्म अ पाई, पिक्चर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम, और पैरेलल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन जीएम पैरेललोग्राम। उस केस में अब आप देखिए, ये जो दो कॉमन टेल जहां पे टच किया है, और यहां से आप एक ये डायगोनल बनेगा, डायगोनल ये नाम छी नामकरण तो की नहीं, हम पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। दो वेक्टर्स है, दोनों का टेल एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, दोनों का टेल एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिए, ऑब्वियसली ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये पूरा एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो उस केस में फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये पूरा पिक्चर कंप्लीट कीजिए टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हमने सिंपली ये जो वेक्टर v1 था उसको डिस्प्लेस करके यहां ला दिया, कर सकते हैं ना, चाहे तो वही किए हैं, इन अदर वर्ड्स ये भी वेक्टर v1 है, ठीक है। एंड ये जो वेक्टर v2 था उसको भी तो हम डिस्प्लेस कर सकते हैं यहां पर, ये हो गया मेरा वेक्टर v2, ठीक है, ठीक है, और ये दोनों एंगल फिट में। देन नंबर थ्री, द डायगोनल थ्रू किस आर यू जी एच, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉमन टेल, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉमन टेल गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर, गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। यह है पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही है हम लोग का पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बस क्या सब बाउंसर गया, वो समझ में भी आया, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा हूं। ये एक वेक्टर है मान लीजिए ऐसे, ये एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, ठीक है। आप सिंपली क्या करोगे, इन दोनों का टेल को ज्वाइन कर दो, ये एक वेक्टर था और ये एक वेक्टर था, ठीक है, ये वेक्टर v1 मान लीजिए, ये वेक्टर v2 मान लीजिए, आपने दोनों का टेल ज्वाइन किया। अब अच्छे बच्चे की तरह ये दोनों को एज इफ ट्रीट कीजिए साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये इस वेक्टर को यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, कितना है ये वेक्टर है मान लीजिए 6 इंच, 6.4 इंच, तो ये हो गया यहां से, यह गया एक, ये भी तो इसका पैरेललोग्राम हो गया, ये भी v1 वेक्टर ही है, क्योंकि हमने बस इसका पोजीशन चेंज किया है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये बात ध्यान रखिएगा, विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये वेक्टर को हम चाहे तो यहां भी डिस्प्लेस कर सकते थे, और ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, ये ये जो है कितना अबाउट 4.4 है, तो यहां से अगर हम इसको चेंज करते हैं ये हो गया, ये हो गया एक और वेक्टर, ये v2, ठीक। तो ये एक पैरेललोग्राम बना, ए बी सी डी, हाँ या ना, देखिए सिंपल सा चीज था, दो वेक्टर्स है मुझे पता, ओ, नाम नहीं दिया, दो वेक्टर्स है, एक है v1 एक है v2, मुझे पता नहीं कैसा भी है, मुझे जानना भी नहीं है, ठीक है, पर अगर मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना है, उस सेंस में हम लोग को इन दोनों का टेल को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, टेल टेल कनेक्शन, फिर ये दो साइड्स मिला, इसको अज्यूम कर लो कि पैरेललोग्राम का साइड्स है, बहुत बढ़िया कर लो। तो उस केस में आपको ये एक पैरेललोग्राम बना लो, एबीसीडी 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 ऐसे ही बनाएंगे एबीसीडी, ठीक है, ओके।
तो उस फाइनल केस में इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होगा, एक डायगोनल ऐसा होगा, एक डायगोनल ऐसा होगा और एक डायगोनल इस कॉमन टेल से गुजरेगा। तो जो डायगोनल इस कॉमन टेल से गुजरेगा ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा, सॉरी वो लिखे नहीं, हम गलती हो गया, माफ कर दो भैया, ये जो डायगोनल है वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा मेरा v1 + v2। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, जो इस कॉमन टेल टेल कनेक्शन से गुजर रहा है, वो देगा रिजल्टेंट वेक्टर। जी हाँ, क्या ये आपको समझ में आया? मेरे को लगता आया तो होगा ये। ठीक है चलो, और कुछ बोलना है? हाँ, इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी करो, पहले इतना पॉज करके कॉपी करो, इसको भी चाहे तो बना सकते हो आप लोग, कोई जरूरत नहीं है, सेम चीज यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना एक ही बात है। ठीक है चलिए, कोई नहीं, मिटा इसको, ठीक मिटा रहे हो, ग्रेट, मिटाए मिटाए। अब देखिए, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ट्राइंगल लॉ है ना, सॉरी जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, कुछ नया नहीं है आपको देखने से लग, अरे भैया क्या नया चीज है, कुछ नया नहीं है, ये एक ट्राइंगल लॉ का ही अलग रूप है, अलग रूप है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए ओके, ये एंगल अगर थीटा है तो इस लाइन को अगर हम ऐसे प्रोड्यूस कर दें, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये एंगल अगर थीटा है और इस लाइन को अगर हम थोड़ा सा ऐसे प्रोड्यूस कर दें एबी को, तो ये एंगल कितना बनेगा, सोच के बोलिएगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये जितना होगा ये उतना ही होगा। ठीक, तो देखिए ना, ये पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही क्या ये नहीं है, ये वेक्टर v1 का हेड वेक्टर v2 का टेल ज्वाइन हुआ है इन सेम ऑर्डर, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल AC टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। आपको समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि भैया जो ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़े हैं ना, वो इसके अंदर ही है, एज इसको भूल जाओ, आप इसको इग्नोर कर दो, इस चीज को इग्नोर कर दो। देखिए ना, ABC क्या ये एक ट्रायंगल है? उस केस में AC AB एक साइड हो गया जो वेक्टर V1 रिप्रेजेंट कर रहा है, BC एक दूसरा साइड हो गया जो वेक्टर V2 रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है ना? हाँ कर रहा है, टेकिंग सेम ऑर्डर। उस केस में ये जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है AC, इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा टेकिंग ऑपोजिट ऑर्डर, यही तो है ट्रायंगल्स लॉ। आपको ये चीज दिमाग में समझ में आ रहा है कि द ट्रायंगल लॉ इज एम्बेडेड विद इन द पैरालेलोग्राम। ठीक है, इसीलिए हम इसी कारण वर्ष हमने आपको याद है, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर बनाए थे और हमने इसको नाम ई दिया था, इसको नाम ई दिया था, क्यों? क्योंकि उस केस में अगर हम इसको डी देते, क्योंकि हमको याद था कि अगर हम जब पैरेललोग्राम बनाएंगे ना उसको डी देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ई दे दिए हैं, ताकि अब आप सेम कैलकुलेशन समझने की कोशिश करो, डायग्राम सेम है, डायग्राम सेम है तो कैलकुलेशन भी तो सेम होगा, वो सेम कैलकुलेशन आप चाहो तो यहां पे रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए मेरी बात को, अब ध्यान दीजिए बात को, मान लीजिए आपको एग्जाम में बोला कि डिराइव द एक्सप्रेशन, सुनिएगा ध्यान से, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, यूजिंग पैरालेलोग्राम लॉ, तो आप इतना लिखेंगे और फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन हम लोग यहां से शुरू किए थे ना, हेयर हेयर AB इक्वल्स टू V1 का मॉड, BC इज इक्वल्स टू V2 का मॉड,
AC is equals to R का mod and theta is equals to angle between the vector V1 and V2. यहाँ पे लिख रहे हम स्टार्मा देख रहे हैं repeat the same calculations as in triangle law. ठीक है, अगर आपको सारा calculation फिर से repeat करोगे, ऊपर वाला पार्ट मत लिखिएगा considering two vectors, तो फाइनली उस फिर से आपको वही चीज मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ v1 का मॉड स्क्वायर प्लस v2 का मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 मॉड v2 मॉड कॉस ऑफ एंगल थीटा. फिर से ये सेम एक्सप्रेशन मिलेगा आपको. क्यों? ये डायग्राम सेम है, लेबलिंग भी सेम किए हैं हम ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको ई नाम दिए थे क्योंकि डी यहां चला गया, इसलिए हम ई नाम दिए थे. समझ में आया? कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, अरे डायग्राम सेम है, परपेंडिकुलर बनाओगे ये आएगा, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये निकालोगे ये आएगा बीसी कॉस थीटा बीसी साइन थीटा, फिर राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस से अप्लाई करोगे ये स्क्वायर इक्वल्स ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, फिर वही पुराना कहानी, तो ये रिजल्ट आएगा ठीक है. एंड अगर ये एंगल अल्फा होता आपका, ये एंगल अगर अल्फा होता तो क्या रिजल्ट आता, एक और एंगल के नाम पर आता tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, ये अल्फा है विथ रिस्पेक्ट टू v1, तो tan क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है v2, तो हो जाएगा v2 मॉड साइन थीटा बाय v2 मॉड क्या था cos थीटा प्लस v1 मॉड. ठीक है, अल्फा इज द एंगल, अल्फा इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू v1 वेक्टर. पर अगर आप चाहो तो फ्रॉम एनालॉजी आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको अगर हम बीटा बोल रहे हैं, इस एंगल को हम बीटा बोल रहे हैं, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू v2 वेक्टर, इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ v2 वेक्टर, इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विथ द v2 वेक्टर कितना होगा, ये हो जाएगा tan बीटा. देखिए आप v2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये v1 मॉड साइन थीटा बाई v1 मॉड cos theta प्लस v2 mod. ठीक है, यह है एंगल विथ रिस्पेक्ट टू क्या, अरे क्या आएगा, सॉरी v2, क्या समझ में आया, tan होता है sin theta by cos theta, ठीक है, tan होता है sin theta by cos theta. अल्फा का बात कर रहे हो तो v1 के रिस्पेक्ट में, तो v2 sin theta by v2 cos theta प्लस एक्स्ट्रा v1, क्योंकि ये भी तो अकाउंट में लेना पड़ेगा ना, याद रखो भैया, कैसे भी याद रखो ना. और tan beta अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करोगे तो v1 v2 के रिस्पेक्ट में बात करो तो v1 sin theta by v1 cos theta प्लस v2. ठीक है, तो ये चीज आप इतना फिर से बोल देना, अगर आपको एग्जाम में बोला यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ये डायग्राम बना के सारा कैलकुलेशन सेम है एज इन द केस ऑफ ट्रायंगल लॉ, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो अब आते हैं फिर से यार. तो फाइनली हम लोग दो तरीका सीखे, ट्रायंगल्स लॉ पैरेललोग्राम लॉ. ट्रायंगल्स लॉ क्या है, सिंपल फॉर्म में हेड टेल मेथड, एक वेक्टर का हेड को दूसरा वेक्टर का टेल से जोड़ दो, ये फ्री एंड, ये फ्री टेल, फ्री ओपन टेल ओपन हेड, ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, एक नया वेक्टर बना दो इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल टू फाइनल, रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर ट्रायंगल्स से बोल सकते हो कि दो वेक्टर है, दो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेम ऑर्डर, तो थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द
रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर क्लियर, पैरेललोग्राम लॉ ऐसे याद रखिएगा, ये है टेल टेल मेथड, हाँ टेल टेल मेथड, दोनों वेक्टर्स को टेल से ज्वाइन कर देंगे, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे, जो कॉमन जो डायगोनल इसका कॉमन टेल से पास करेगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और वो सेम चीज दोनों केस में, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने का एक्सप्रेशन सेम है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने का रिलेशन सेम है, अल्फा है विथ रिस्पेक्ट टू वी टू वी वन, बीटा है विथ रिस्पेक्ट टू वी टू, ध्यान रहेगा, ठीक है ठीक है। लास्ट एक और बाकी है पॉलीगॉन्स, वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, पांच मिनट हो जाएगा, ठीक है चलो कॉपी करो उससे। एक घंटा 35 मिनट, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में, ओके ओह पढ़ना क्या हम लोगों को पढ़ना है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, और हम फिर से एक डिस्टिंक्शन बताते हैं, ट्रायंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ यूज होता है दो वेक्टर्स के लिए, पर जो पॉलीगॉन्स लॉ है वो तीन वेक्टर्स के लिए। चलो आ जाओ हैशटैग नंबर 3 सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा फाइनली आज, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑब्वियसली ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अच्छा ये जो पॉलीगन लॉ है इज मेयरली इज एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ का एक्सटेंशन ही है, और ट्रायंगल्स में क्या था, हेड टेल मेथड पर बेस्ड, इस बात को आप समझने की कोशिश करो, अगर आप ये समझ गए खत्म, पॉलीगन खत्म, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ओके। हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीगन लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ किस पर बेस्ड है, हेड टेल मेथड पर, और हम फिर से बताते हैं आपको, पॉलीगन लॉ इज यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं, तीन वेक्टर्स को समझ लेकर, चलिए आइए समझते हैं इसको तीन वेक्टर्स को लेकर, बस समझना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये मजेदार चीज है, कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर, बस समझना है। देखिए मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, क्या बोले क्या बोले क्या बोले, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, यह है वेक्टर वी वन, यह है वेक्टर वी टू, यह है वेक्टर वी थ्री, ठीक ठीक ठीक। Then this is equivalent to, क्या बोलता है हमारा पॉलीगॉन लॉ, हमारा पॉलीगॉन लॉ बोलता है कि भैया आप ये काम करो ना, आपको एड ही करना ना इन तीनों वेक्टर्स को, आप एक पहला वेक्टर लिखिए v1, ओके लिख दिया, अब वेक्टर v1 का हेड पे आप एक दूसरा वेक्टर का टेल बिठा दो, आप इसको उठा के यहां ला दीजिए, समझ में आया क्या बोले हम, ये v2 वेक्टर, नहीं समझ में आया, अरे क्या बोला जा रहा है भैया, सिंपली फर्स्ट वेक्टर का हेड पे एक दूसरा वेक्टर का टेल को लाकर जोड़ दो, ये दिख रहा है हेड टेल कनेक्शन, हेड टेल कनेक्शन दिख रहा है ना, हेड टेल कनेक्शन, गंदा हो जाएगा मेरा कैलकुलेशन, ठीक है बहुत बढ़िया। सिमिलरली अब क्या करो भैया, जो थर्ड वेक्टर है इसको भी उठाकर, ऑब्वियसली उठाकर, कोई पोजीशन चेंज नहीं करना मेरे को उसका, सॉरी पोजीशन चेंज करना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना है, तो ये ऐसे है, इसको उठा के ऐसे ला दो यहां पर, ये हो गया v3 वेक्टर, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया आपका ओपन टेल, ये हो गया ओपन हेड, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, सिंपली यहां से एक ये बनाता हूं, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर, बस यही है, यही है, यही है, बस यही है, ठीक है समझ में आया। चलो एक और कर लो, फोर वेक्टर्स लेके समझते हैं इसको, फोर वेक्टर्स, चलो भैया मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है, नामकरण करते हैं v1, v2, v3
वी फोर, ठीक ठीक तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल, ओ सॉरी, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, क्या होगा ये बताओ, क्या होगा ये होगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक है। एंड सिमिलर यहां पे क्या हो जाएगा, आप अच्छे बच्चे की तरह पहला वेक्टर लीजिए, उसको यहां बना दीजिए, फिर दूसरा वेक्टर को वहां पे अलाइन कर दीजिए, ठीक है। फिर तीस ये हो गया वी वन वेक्टर, इसका हेड पर, दूसरा वेक्टर टेल पर, ये वी टू वेक्टर, अभी वी टू वेक्टर का हेड पे वी थ्री वेक्टर का टेल ला दीजिए, ठीक है। और फिर फाइनली सेम चीज कंप्लीट करेंगे हम लोग वी फोर के लिए भी, और यहां पे जो वी फोर वेक्टर है उसका भी टेल यहां पे ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया वी फोर वेक्टर, ठीक है। तो फाइनली यहां पर आपको एक ओपन टेल मिला, ओपन हेड मिल रहा है। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑब्वियसली एक बार नहीं बना, इस बार बन जाएगा, टिश्यू बन गया, सो बन गया, हाँ बन गया, ये हो गया आपका। इस केस में ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा मेरा, जो होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 वेक्टर 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 वेक्टर, क्या समझ में आया। तो अगर स्टेटमेंट लिखना हो मुझे, अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं कि ये इसका स्टेटमेंट है जो बोलता है कि इफ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। अरे वही ट्रायंगल लॉ वाला, देखो ना सेम डायरेक्शन में लेके है, ढे चूड़े 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 v1 v2 v3 v4 वेयर टेकन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन वेक्टर्स given vectors is represented by the closing side of the polygon taken in opposite order, taken in opposite order। देखो R को हम इस डायरेक्शन में लिए हैं, ये ऑपोजिट है ना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। सिमिलर यहां भी ऐसे गया है और ये भी ऐसे गया है, सेम ट्रायंगल्स लॉ का एक्सटेंशन ही है, बस यहां पर कितना भी साइड्स हो सकता है और वहां पे सिर्फ दो साइड्स है, दो वेक्टर्स था बस, कितना हुआ, अरे लो 8 मिनट लगा, कोई नहीं, समझ में 8 मिनट में कर दिया। पॉलीगॉन लॉ एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल्स हेड टेल मेथड, वही पुराना कहानी है, समझने के लिए इजी है ना, कि बस आप वापस हेड टेल करके हेड टेल और रिजल्टेंट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, बस वही पुराना कहानी, ओपन हेड ओपन टेल, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर मार दो, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन वेक्टर मार दो, बुझ हम नहीं बोल सकते, थक गए हम, ठीक है ओके। तो समझ में आपको इतना ट्रायंगल्स लॉ डिटेल कैलकुलेशन किए लो, सेम कैलकुलेशन पैरेललोग्राम के लिए वैलिड है, आ सकता है आपके क्वेश्चन पूछ सकता है, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, स्कूल में पूछ सकता है 11th क्लास में, ओके। एंड फाइनली पॉलीगॉन्स लॉ, ये बस समझने के लिए है और कुछ नहीं, बस समझने के लिए है, कहीं पूछेगा आपने जॉब नहीं पड़ता कभी इसका, दिखा है ठीक है ओके। तो फिर चलिए आज हम लोगों ने इसका पूरा फॉर्मूला नहीं कुछ, बस फॉर्मूला डिराइव किया, समझा कैसे क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड में पूरा न्यूमेरिकल्स करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। आज हमें बख्श दीजिए, आज हमने एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं करा, सॉरी चलो कोई बात बहुत हो गया इसके लिए, ठीक है। तो फिर चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, टिल देन बी सेफ बी जॉयफुल, थोड़ा मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।